आज मैं आपके लिए बिहार और यूपी की फेमस ट्रेडिशनल मिठाई लौंगलता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे आप घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यह खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है दोस्तों, और ये आप किसी भी पर्व त्यौहार में बना करके खा सकते हैं, या जब भी आपको मन चाहे आप इसे बना कर खा सकते हैं। ये देखिए, ये ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और अंदर से बहुत ज़्यादा जूसी होता है, और ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, ताकि आप भी अपने घर पर इस मिठाई को अच्छे ढंग से बना सकें। नमस्ते दोस्तों, भानुजा द होम मेकर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए रेसिपी वीडियो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2 कप मैदा लिया है, आप जितना बनाना चाहते हैं आप उतना ले सकते हैं। तो मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, और इसमें हम डाल देंगे 4 चम्मच देसी घी। आप रिफाइंड भी डाल सकते हैं, लेकिन देसी घी डालने से स्वाद जो है वो बहुत ही अच्छा आता है, और ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनता है। तो आप अगर है तो देसी घी ज़रूर डालें। तो 4 चम्मच मैंने इसमें देसी घी डाल दिया है, और हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें और घी पड़ेगा कि नहीं। तो इस तरह से हमने इसे अच्छी तरह से मिला लिया है, और अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये देखिए, मैंने जब मुट्ठी बांधा तो ये आसानी से टूट गया। तो हम थोड़ा सा घी और डालेंगे, यानी 1 चम्मच घी हमने और डाल दिया है, और हम इसे फिर से अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो आप भी अपने घर में बनाएं तो इसी तरह से माप करके बना सकते हैं, यानी इसी तरह से चेक कर ले कि ये मुट्ठी अच्छी तरह से बंध रहा है कि नहीं। अब देखिए, ये मुट्ठी आसानी से बंध गया, और हमने जब इसे तोड़ा तो ये थोड़ा दबाव देने के बाद टूटा है। तो इसका मतलब कि हमने इसमें अच्छी तरह से मोयन डाल दिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, और इसका मुलायम डो बना लेंगे, यानी न ज़्यादा सख्त और न ज़्यादा मुलायम। तो हम इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालेंगे, और इस तरह से हम इस तरह से डो बना लेंगे। ये देखिए, डो हमारा तैयार हो गया है, और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखिए, इस तरह से डो होना चाहिए, यानी ना ज़्यादा कड़ा और ना ज़्यादा मुलायम। अब हम इसे एक गीले कपड़े से ढक करके रख देंगे 10 मिनट के लिए। अब हम स्टफिंग के लिए तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने 1 कप मावा लिया है, यानी खोया, और ये घर का बना हुआ खोया है, और इसकी रेसिपी मैंने अपने चैनल में डाल दिया है, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। और इसमें डाल देंगे 2 चम्मच पिसी हुई चीनी, आप मिश्री भी डाल सकते हैं। 3 कुटी हुई इलायची हम इसमें डाल देंगे, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। अब हम थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स इसमें कटे हुए डाल देंगे। तो मैंने काजू लिया है, और किशमिश, थोड़ा सा नारियल को कद्दूकस कर लिया है, और बादाम को मैंने पतरा हुआ बादाम लिया है। तो इन सबको हम सबको डाल देंगे मावा में, और इस सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये देखिए, ये जो मावा है, ये इसको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, ताकि जब हम मिठाई बनाएं वो जल्दी ख़राब ना हो। अगर कच्चा मावा रहता है तो जल्दी मिठाई ख़राब हो जाता है। तो हम अब चाशनी बना लेते हैं। तो इसके लिए कटोरे में मैंने 1 कप चीनी और 1/2 कप पानी डाल दिया है। इन सबको हम अच्छी तरह से उबाल लेंगे, और उबालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा फूड कलर, 1 चुटकी, अच्छे कलर आने के लिए। तो हमने इसमें फूड कलर डाल दिया, और हम चाशनी बनाएंगे, थोड़ा सा चिपचिपी चाशनी हम तैयार करेंगे। तो इसे हमने मीडियम आंच पर चढ़ा दिया है, और चाशनी थोड़ा सा मैंने कम बनाया है, क्योंकि पहले से बना हुआ चाशनी मेरे पास था फ्रिज में रखा हुआ, क्योंकि कुछ दिन पहले मैंने इमरती बनाई थी तो उसी का चाशनी बच गया था। तो इस सबको डाल देंगे, ये जो मैंने चाशनी रखा था। तो आप जब भी चाशनी बनाएं, अगर आपके पास वैसा कुछ चाशनी बची हुई है तो आप उससे बना सकती हैं। तो हम इसे थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि चाशनी जो है वो गाढ़ा हो जाए थोड़ा सा, हमें थोड़ा सा चिपचिपी चाशनी चाहिए। तो ये देखिए, मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, ये हल्का सा चिपचिपा हो गया है, तो हमें इसी तरह की चाशनी चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे 2 कुटी हुई इलायची, और इस सबको अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा सा हम नींबू का रस डाल देंगे, 1/2 टीस्पून या 1 टीस्पून, क्योंकि इसको डालने से जो चाशनी होता है उसमें क्रिस्टल नहीं बनते हैं। तो इस तरह से हम डाल करके मैंने आँच को बंद कर दिया है, और ये देखिए चाशनी तैयार हो गया है। तो हम इसे एक तरफ रख देते हैं। अब हम डो को देख लेते हैं, इसे एक बार फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। ये अच्छी तरह से मुलायम हो चुका है, तो हम इसकी छोटी छोटी लोई बना लेते हैं। ये देखिए,
नींबू के आकार से थोड़ा सा छोटा लोई बनाएंगे और जो बाकी बचा हुआ डो है उसे हम गीले कपड़े से ढक देंगे ताकि वो सूखे नहीं। अब दोनों हथेलियों के बीच रख करके इसे चिकना कर लेंगे और इसे हम पूड़ी जैसा बेल लेंगे पतला। मैंने पानी लिया है कटोरे में, आप इसकी जगह मैदा और पानी का घोल से भी चिपका सकते हैं। तो इस तरह से हमें जितना हो सके उतना पतला हम इसे बेल लेंगे। बेलते समय मैंने किसी भी सूखा आटा या मैदा का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि हम डो बहुत अच्छा बनाए थे। और इसके हम थोड़ा सा लौंग लेंगे क्योंकि ये लौंग लता है, तो लौंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमने थोड़ा सा लौंग ले लिया है। और ये देखिए इस तरह का पतला होना चाहिए। अब हम बीच में स्टफिंग एक चम्मच या थोड़ा सा उससे ज़्यादा रखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है नहीं तो तलते समय ये फट जाएगा। और इस तरह से अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। फिर इसके किनारों में हम पानी लगा देंगे, आप इसकी जगह घोल लगा सकती हैं मैदे और पानी का। तो मैंने घोल का प्रयोग नहीं किया है क्योंकि ये पानी से भी अच्छी तरह से चिपक जाता है। तो हम इसे अच्छी तरह से सेट कर लेंगे, दोनों किनारों को अच्छी तरह से चिपका देंगे और फिर इसके ऊपर हम दूसरे तरफ का रख करके उसे भी अच्छी तरह से चिपका देंगे। ये देखिए ये अच्छी तरह से सेट हो गया है, हमने इसे अच्छी तरह से उंगली से चिपका दिया है। और उसके बाद हम इसे पलट लेंगे। ये देखिए मैंने हाथों में लेकर के आपको दिखा रही हूँ और इसका डिज़ाइन इस तरह से बनेगा। एक किनारे को इस तरह से रखेंगे, उसके ऊपर दूसरे किनारे को रख करके उसके बीच में यानी सेंटर में लौंग को इस तरह से खोस देंगे। ये देखिए ये एकदम फूल जैसा अच्छा सा डिज़ाइन बन गया और ये देखने में कितना खूबसूरत लग रहा है। तो हम इसी तरह से एक डिज़ाइन और बता देते हैं आपको। तो इस तरह से हमने पोड़ी जैसा बेल लिया है पतला, फिर उसके ऊपर स्टफिंग रखेंगे, अच्छी तरह से इसे सेट करेंगे और चारों तरफ किनारों में पानी लगा करके आधा फोल्ड करेंगे इस तरह से, फिर इसे भी चिपका देंगे। ये देखिए मैंने हाफ फोल्ड किया है, फिर दूसरे किनारे को पकड़ करके इस तरह से उसके ऊपर रख के फोल्ड कर लेंगे और इसे चारों तरफ से दबा देंगे ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए और तेल में जा कर के ये खुले नहीं। तो हम इसे इस बार पलटेंगे नहीं, हमने उसी साइड से इस तरह से जैसा पहले बनाया था उसी तरह से बना दिया, एक किनारे को रख के उसके ऊपर रख के इस तरह से लौंग को लगा दिया। तो ये हमारा बन गया दूसरा डिजाइन। तो इसी तरह से आप सभी लौंग लत्ते बना ले। एक बार मैं फिर से पहला वाला डिजाइन को बता देती हूँ। इस तरह से हमने एक दूसरे की इस तरह से रख करके उसके ऊपर लौंग बीच में सेंटर में चिपका दिया। तो ये देखिए सारे लौंग लत्ता हमने तैयार कर लिया है। इसको तलने के लिए हमने कढ़ाई में घी गरम कर लिया है, आप घी के बदले रिफाइंड भी ले सकते हैं। घी हमारा गरम हो चुका है, हमने लो से मीडियम आंच पर इसे गरम किया है। तो हम इसमें थोड़ा सा डाल करके देख लेते हैं। ये देखिए ये हल्का सा बुलबुला निकल रहा है, तो इसका मतलब कि जो घी है वो अच्छी तरह से गरम हो चुका है जितना हमें चाहिए तलने के लिए। तो हम इसमें डाल देंगे लौंग लत्ता को और थोड़ी देर के बाद जब एक तरफ हल्का सा सीख जाए तो हम इसे पलट देंगे। ये देखिए एक तरफ से अच्छी तरह से हल्का सा सीख गया है, तो हम इसे हल्के हाथों से इस तरह से पलट लेंगे और इस तरह से उलटते पुलटते हुए हम इसे दोनों तरफ से गोल्डन फ्राई कर लेंगे, यानी हल्का गुलाबी। हम इसे तल करके ये हल्का गुलाबी हो गया है तो हम इसे निकाल लेते हैं और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ लौंग लत्ता है उसे डाल देंगे और आँच धीमा करके हम इसे जो पहले हमने तल करके रखा है उसे चाशनी में डालेंगे। चाशनी जो होता जो है वो हल्का गर्म होना चाहिए, अगर ठंडा हो गया है तो आप उसे हल्का सा गर्म कर लें। अब इसमें हम सारे लौंग लत्ते को इस तरह से डाल देंगे और इसके ऊपर हम चाशनी को इस तरह से डालेंगे ताकि रस जो है वो अंदर तक अच्छी तरह से चला जाए। तो हमने चाशनी थोड़ा कम बनाया है क्योंकि जो हलवाई लोग होते हैं भैया लोग वो बहुत ज़्यादा चाशनी बनाते हैं तो वो एक ही बार डाल देते हैं, लेकिन हम तो कम बनाया है तो इसीलिए हम इस तरह से चाशनी उसके ऊपर से भी डाल सकते हैं अगर आपको बहुत ज़्यादा जूसी और रस वाला पसंद है।
तो आप इस तरह से ऊपर से चाशनी डाल सकती हैं। अब हमने सारे लौंग लत्ते को चाशनी में डाल करके 5 मिनट रख करके और उसे निकाल लिया है, और इस तरह से हम इसे प्लेट में रख लेते हैं सर्व करने के लिए। ये देखिए, ये स्वादिष्ट लौंग लत्ते तैयार है खाने और खिलाने के लिए। तो आप इसे किसी भी त्यौहार में बना सकते हैं, और या मन करे तो आप कभी भी इसे बना सकते हैं। ये खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब मैं आपको इसे तोड़ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी और अंदर से, मैं आपको इसको तोड़ करके दिखाती हूँ कि ये कितना जूसी बना है। तो आप इस लौंग लत्ता की रेसिपी को कब बना रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। आप मुझे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और मेरे ब्लॉग साइट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। धन्यवाद।